उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया। मैं सदन का ध्यान वर्षा के जल भंडारण किए जाने की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि जीवन में जल का महत्व क्या और इस बारे में देश की जनता भलीभांति जानती है। वर्षा के न होने और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना भी सभी सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हमें पानी की मांग और आपूर्ति के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता है। जल सीमित है, इसके प्रयोग में मित्रता बरतने की जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यकता है। आज जागरूकता की कमी है। आज पूरा देश पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है। प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रहती है। वर्षा का जल संचय करने के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम भी उठाए गए हैं। सरकार द्वारा बनाए जा रहे भवनों, कॉलेजों, विद्यालयों व कार्यालय भवनों में वर्षा का जल संचय करने के लिए प्रावधान भी किए जाते हैं। किसानों को भी वर्ष भर खेत में जल की आवश्यकता रहती है। सरकार द्वारा वर्षा के जल संचय को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वे सभी निरर्थक हैं। वर्षा के जल संचय के लिए आवश्यक संसाधन बनाए जाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। यदि सरकार उस धन का एक हिस्सा उपलब्ध करावे तो जागरूकता अभियान काफी मददगार सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।